Question is, in an orthogonal cutting process, the tool used has rake angle of 0 degree. The measured cutting force and thrust force are 500 Newton and 250 Newton, respectively. The coefficient of friction between the tool and the chip is option A, 1, option B, 0.5, option C, 0.6, and option D, 0.9. देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ऑर्थोगोनल कटिंग प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कैसा प्रोसेस है। ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग की जैसे ही हम बात करते हैं वैसे ही हमको ये ध्यान में रखना है कि साइड कटिंग एज एंगल जीरो होता है ऑर्थोगोनल कटिंग में। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेक एंगल जो है यानी अल्फा की वैल्यू दी हुई है, रेक एंगल जीरो है गिवन है। उसके बाद कटिंग फोर्स एफ सी दिया हुआ है, एफ सी इज 500 न्यूटन एंड थ्रस्ट फोर्स एफ टी दिया हुआ है 250 न्यूटन। और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप, यानी म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। म्यू क्या है? म्यू इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप, बिटवीन टूल एंड चिप। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मर्चेंट सर्किल हम लोग देखते हैं कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू होता है टेन लेमडा। लेमडा यहां पे हमारा फ्रिक्शन एंगल होता है। अगर इस क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि फ्रिक्शन एंगल बताइए तो हम लोग टेन इनवर्स म्यू करके बहुत आसानी से निकाल लेते। टेन लेमडा इज इक्वल टू होता है एफ डिवाइडेड बाई एन। अब देखते हैं ये एफ क्या होता है और एन क्या होता है। तो एफ हमारा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ टूल ऑन चिप होता है। एफ को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ टूल ऑन चिप। जब हमारा चिप टूल के ऊपर स्लाइड करता है उस वक्त जो रेजिस्टेंस पैदा होती है उसे हम लोग एफ कहते हैं, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ टूल ऑन चिप। उसके बाद एन की बात करें तो एन हमारा है नॉर्मल टू द कटिंग फेस ऑफ द टूल। जो हमारा कटिंग फेस होता है उसके नॉर्मल जो फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू द कटिंग फेस ऑफ द टूल। तो इन दोनों का अगर रिलेशन हम लोग पता कर लेंगे तो आसानी से हम लोग कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है एफ का, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा। एन का फॉर्मूला होता है एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। ये मर्चेंट सर्किल डायग्राम की सहायता से हम लोगों ने ये फॉर्मूले प्राप्त किए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फा की वैल्यू एज अल्फा इज गिवन इन द क्वेश्चन जीरो, सो वी कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ सी, एफ सी क्वेश्चन में गिवन है हमारा 500 न्यूटन और एफ टी भी गिवन है 250 न्यूटन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो देखिए अल्फा की वैल्यू यहां पुट करेंगे साइन जीरो जीरो हो जाएगा और यहाँ साइन जीरो जीरो हो जाएगा, यानी क्या बचेगा हमारे पास जीरो इंटू एफ सी जीरो हो जाएगा, यानी एफ टी कॉस अल्फा और एफ सी कॉस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, यानी हमारे पास केवल दो चीजें बचेंगी एफ टी और एफ सी। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ टी डिवाइडेड बाई एफ सी। एफ टी हमारा थ्रस्ट फोर्स है और एफ सी हमारा कटिंग फोर्स है। तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू दी हुई है 250 एंड कटिंग फोर्स की वैल्यू दी हुई है 500। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1/2, दैट मींस 0.5, यानी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू 0.5। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप विल बी 0.5। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।